हम इस वक्त आरएमएल हॉस्पिटल में हैं और आरएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एसोसिएशन ने, जो कि संघ है, उसने कोवैक्सीन लगाने को लेकर के अपनी आशंका जाहिर की है। उनका कहना है कि कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक ने बनाया है, इसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। इसकी जगह, कोवैक्सीन की जगह, उनको सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड लगाया जाए। हमारे साथ आरडीए के कुछ डॉक्टर्स हैं। सर, आपका पूरा नाम बताइए। आई एम डॉक्टर निर्माल्य महापात्रा, आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आरडीआरएम। सर, आप लोगों ने लेटर लिखा है एमएस को, क्या लिखा है इस लेटर में? जी एक्चुअली हमने ये लिखा है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा जो वैक्सीन है कोविशील्ड, वो हमें दिया जाए। आज की जो वैक्सीनेशन ड्राइव में कोवैक्सीन यूज़ किया जा रहा है, भारत बायोटेक ने जो मैन्युफैक्चर किया है कोवैक्सीन। एंड एक्चुअली एज यू नो, कोवैक्सीन के सारे स्टेजेस, जो प्री रोल आउट स्टेजेस कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसको इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। वो कितना सही है गलत है वो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट जो हमें लग रहा है कि सारे स्टेजेस कंप्लीट वे अगर हो रखा है एक वैक्सीन का, तो वो हमें प्रेफरेंस में वो दिया जाए। इट इज़ वॉलेंटरी, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं लगाया जा रहा है। हम बोल रहे हैं ये वॉलेंटरी है, वॉलेंटरी ही है, और आपको कंसेंट वगैरह लिखा के ही दिया जाएगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर सरकार ही हमें वैक्सीनेट करा रही है, तो जो जिसके ट्रायल कंप्लीट हो, वो ऑप्शन अगर अवेलेबल है, तो वो क्यों ना। आप सर ये बताइए कि क्या बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं दिया है? देखिए, मैं मानना चाहूँगा कि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं आरएमएल में जिन्होंने इसे एडवर्स इफेक्ट को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, इसका नाम नहीं दिया है। और वो लोग यहाँ पे, मैंने अभी भी किसी रेजिडेंट डॉक्टर को नहीं देखा जो वैक्सीन लगवाने के लिए आ जाया है। सभी के मन में किसी तरह का एक डर बना हुआ है साइड इफेक्ट को लेके, और अभी उनको पता चला है कि कोवैक्सीन लग रही है। कोवैक्सीन की अब तक सिर्फ दो फेज तक ट्रायल हुई है, और कोविशील्ड की आपकी फेज 3 तक हो चुकी है। तो कोविशील्ड इज कंपेरेटिवली बेटर देन द कोवैक्सीन, बट दे आर एडमिनिस्ट्रिंग द कोवैक्सीन टू अस, तो दिस इज वेरी बैड।